पति था बाहर और दूसरे को पति बना बना कर एक एक लोन नहीं दो लोन तीन लोन सबका पास हो गया। और इसी के गांव का यही महिलाओं के गांव का एक मुख्य महिला जो मीना सिंह थी उस पर ये तमाम महिलाएं आरोप लगा रही है कि फर्जी तरीके से ग्रुप लोन जो होता है समूह लोन जो होता है वो पास करा कर और सभी के खाते से पैसा निकलवा कर वो रातों रात जो है दिल्ली फरार हो गई है। ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है। जी हाँ, अभी हम मधेपुरा जिला के लालपुर सर्वपट्टी गांव में मौजूद हैं और तमाम जो महिलाएं हैं ये लोन से पीड़ित है और ये अपने अपने लोन को लेकर इसके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसको लेकर ये लोग मधेपुरा थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। और जब ये लोग मधेपुरा से आ रहे थे, यहाँ देख सकते हैं रिक्शा से ये लोग आ रही थी, तब हम लोगों ने इनसे पूछा तो ये मामला जो है खुलासा हुआ। और आइए पूरी जानकारी आपको हम देंगे। क्या नाम है दीदी? रंजू देवी। क्या हो गया आप लोग के साथ? मीना देवी सब चीज लेके भाग गए लोन हमरा के। लोन लेके भाग गए? कैसे लेके भाग गए? अच्छा, सब कुछ करा के लोन लेके भाग गए। कितना दिन पहले कागज लगाए थे आप लोग? साल भर भाग गए। कौन कंपनी में लगाए? कंपनी का नाम सर नहीं जाने छी। नहीं जानते? मीने जाने छी। कागज उसी को दिए थे? हां, कागज तो ससुर या। कहां घर है आप लोग का? 11 नंबर वार्ड में। गांव का नाम? सरपट्टी। अच्छा, मधेपुरा जिला। हाँ, यानी कागज आप लोग मीना देवी को दिए? हाँ, मीने दीदी सब कंपनी में कागज लगेलके। अच्छा, लोन पास भए जाए तब दीदी के बोला के आवे फिंगर लगबे आ बस टका। अच्छा, कितना दीदी सबका लोन ठगी हुआ है? कितना? 40-50 कै गो का? क्या गरज छै? 52 आदमी के। 52 आदमी? 1 करोड़ टका छै सर। 52 आदमी छी? 52 आदमी टोटल एक बस्ती से? हाँ, सब मिलाकर जो है कितना पैसा लगभग ठगी हुआ? 1 करोड़। देखिए, कहीं न कहीं बहुत बड़ा मामला सामने आया है। जिस प्रकार DNY न्यूज के माध्यम से आप लोगों को लगातार जो है ग्रुप लोन समूह लोन को लेकर जानकारी देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मधेपुरा के एक गाँव में एक दो नहीं लगभग 60-70 महिलाओं से एक महिला जो इसी गाँव की मीना सिंह बताई जा रही है, मीना सिंह इन लोगों का कागज लेती है और वो अलग अलग कंपनियों में कागज लगाकर इन लोगों के एक एक महिला के नाम पर जो है दो लोन तीन लोन चार चार लोन उठवाकर इन लोगों को, जब लोन इन लोगों का पास हो जाता है तो इन लोगों को CSP पर ले जाकर और कहीं ना कहीं CSP वालों के भी मिलीभगत से इन लोगों का फिंगर ले लिया जाता है और फिंगर लेने के बाद सभी के खाते से पैसा निकाल कर जो है रातों रात मीना देवी फरार हो जाती है। आइए और महिलाओं से हम जानते। खड़ा हुई है दीदी, थोड़ा खड़ा हुई है थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? गीता देवी सर। आप भी लोन लिए हैं? लोन लिए। क्या गो कंपनी? 6-7 को कंपनी में बेटी छे पुतौ छे सब छे सर। 3 लाख लोन छे आ ओकर ससुर आबे रहे दुल्हा आबे रहे जे चला गीता देवी कागज ना एक बेर कागज देलिए सब मन। किसका ससुर आता था? मीना देवी के। अच्छा, ओकर दुल्हा आबे रहे। क्या बोलता था? कागज ना चला लगैया आया एक एक कागज देलिए तो 3-4 में दे देलका फिंगर लगा के टका आ मैनेजर आर से हमरा आरके देखियो ले नै दे रहे। अच्छा, आ आब जे मैनेजर जाय लागले तब जानै छियै जे हमरा आरके 5 गो लोन छै 6 गो लोन छै बेटी पपुतौ पर ओहि दिना मारपीट कैलके बकरी छकरी बेच के आ तब एगो कंपनी तब ओने से फेर आबै छै ओने से फेर आबै छै ओने से फेर आबै छै। अरे बाबा रे बाबा, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो है बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। और भैया, हम इसलिए बोल रहे हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा क्योंकि ये तमाम महिलाओं से जो है एक ही महिलाएं कागज लेती है और वो स्टाफ के साथ मिलकर जो है अलग अलग कंपनियों में कागज लगाकर वो गलत तरीका से लोन पास करवाती है। जब गलत तरीका से लोन पास होता है तो कहीं ना कहीं उसमें स्टाफ का भी भागीदारी होता है, कंपनी के कर्मचारी का भी भागीदारी होता है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इस गांव से जो है 100 लगभग महिलाओं का तमाम 1 करोड़ रुपया से ऊपर का जो है फ्रॉड हुआ है और ये खबर तेजी से वायरल हो रहा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी? कोर्ट से सर। मधेपुरा गए थे? क्या करने गए थे? गेल रही है आती आवेदन लिखो। आवेदन लिखा ना? अच्छा, आप ये बताइए दीदी, आपके हाथ में ये कार्ड है, कै गो कार्ड है? इसमें एक भी लोन? आपके परिवार में सबके नाम पे लोन हो गया? एक एक करके हमको लाइए, थोड़ा सा इसको दिखाते हैं, पकड़िए, इस खड़ा रहिए, खड़ा रहिए,
देखिए ये देखिए थोड़ा दिखाइए, सारला डेवलपमेंट एंड माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी से भी इसका लोन हुआ है और इसका लोन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तमाम यहाँ पे जानकारी है। और ये कौन सा है इसको लाइए थोड़ा दिखाते हैं। देखिए ये मुथूत कंपनी का कार्ड है, देखिए अलग अलग कंपनी का ये कार्ड इन लोगों के पास है। हे वो लाइए, वो लाइए, हाँ ये लाइए, रुकिए, ये कौन है देखिए, क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट एक्सेस से, ये कौन सा है देखिए, IIFL समस्ता से, किस तरह से देख सकते हैं कि कई कंपनियों से यहाँ पर जो है ये मीना देवी लोन पास करवा के रखिए रखिए। और आपका कौन है, मुथुत का ही इसका है, क्या नाम है आपका जी? गायत्री देवी, गायत्री देवी, पकड़िए इसको पकड़िए। लोन कब पास हुआ आपका, किसको कागज दिए थे? मीना दीदी के, मीना दीदी को। तो लोन आपका खाता में आया? हमरा पते नहीं लगल, हाँ फिंगर दलिए, कल के नहीं नहीं कल की नहीं आई काम भले, कल खुना अभी आ, कल मैं खोजे ना कल के। कहाँ पे फिंगर दिए थे? कहाँ, सिंहेश्वर में कि मधेपुरा में? सिंहेश्वर में, सिंहेश्वर में। कौन ले गया था फिंगर दिलाने? मीना दीदी, मीना देवी। अच्छा देख सकते हैं किस तरह से सातिर दिमाग लगाकर जो है इन महिलाओं के साथ फ्रॉड किया गया है। सभी महिलाओं का कागज जो है लगाकर कंपनी में लोन पास करवा लिया जाता है, और जब इन लोगों का लोन खाता में आ जाता है तो वही मीना देवी इस सभी महिलाओं को CSP पर ले जाते हैं और CSP वालों से भी मिलकर सभी का फिंगर दिलवाते हैं और कहते हैं कि अभी लिंक फेल है, आप लोगों का पैसा अभी नहीं निकलेगा, और उसी समय इन लोगों का पैसा जो है खाता से निकाल लिया जाता है। इस तरह से करके पूरे बस्ती में लगभग 100 महिला से करोड़ से ऊपर का गमन हुआ है, फ्रॉड हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं गांव की मीना देवी और तमाम जो कंपनियों का स्टाफ है उसका भी मिली भगत हो सकता है, और जो CSP वाला है उसका भी मिली भगत हो सकता है। बाकी इस तरह की घटना पर, इस तरह के फ्रॉड पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आगे से और भी लोग इस तरह के फ्रॉड में नहीं फंसे। कि आप DNY न्यूज़ देख रहे थे, लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।